आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर ही है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या जी? इसका दो नाम है। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर में से चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले बता रखे हैं, उनमें से ये भी एक डाल दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ। ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। इसको क्यों कहते हैं? चले जी हेडिंग दे लें, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ला या फिर पार्टीशन ला। अमूमन जो शॉर्ट क्वेश्चन में लफ्ज यूज किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ला ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे तरह का हमारे पास चॉइस और सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है, सही है, उसी तरह का उसी के जमरे में ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन स्टेटमेंट, देखिए जो भी ला होता है उसकी स्टेटमेंट होती है, ये बात याद रखिए, उसकी डेफिनेशन ही होती है थ्योरी या ला की, हमेशा हमेशा स्टेटमेंट होती है, बयान होता है उसके अंदर हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है इसको पहले लिखा बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की, आ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, आ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट, एक सॉल्यूट तकसीम कर लेता है डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट, दो इमिसिबल सॉल्वेंट के दरम्यान में, या फिर लिक्विड क्या है, ये सॉल्वेंट यूज करना, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड विद अ कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन, विद अ कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन, एक खास मिकदार, कौन सा रेशो ऑफ कंसेंट्रेशन, इररिस्पेक्टिव लिहाज किए बगैर, इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिट, इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिट। यह है जी हमारे पास पार्टीशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन। इसको समझिएगा। अब लास्ट टाइम ना हमने कहा था जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के दरम्यान में कि जी जो नया सॉल्वेंट डालना है हमने उसके अंदर, हमने ये कहा था उसको पहले समझ लें, उसी को ये पूरे का पूरा प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है। हमने इस तरह का एक स्प्रेटिंग फनल बनाई थी, इस स्प्रेटिंग फनल के अंदर आपने कहा था एक सॉल्यूशन सबसे पहले लेना है, नीचे स्टॉपर लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है और यहाँ पे आपने कोई सॉल्वेंट लिया हो, और सॉल्वेंट आपने कहा था ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसके अंदर खास बात क्या हो, उसके अंदर पहले नंबर पे दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होने चाहिए, सही है। और जो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी चीज है जी, सॉल्यूट है, वो ज्यादा हाल होना चाहिए इसमें, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा ही है। अब हमने कहा था जी सपोज किया कि इसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन थी हमारे पास शुरू में 100 ग्राम, इसके अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट था। अब जैसे मैंने ऊपर सॉल्वेंट ऐड किया है तो यहां पे तकरीबन 70 ग्राम आ गया और यहां पे 30 ग्राम रह गया। अब देखें, अब कहते हैं ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो 3, अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं ये क्या है, 70:30, इनकी सिंपल रेशियो क्या है, 7:3, कहते ये वाला रेशियो हमेशा सेम रहेगी बेशक जितना मर्जी सॉल्यूट ऐड कर लें, सॉल्यूट की अमाउंट पे कंसंट्रेशन पे ये चीज डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे ये चीज डिपेंड नहीं कर रही होती। मतलब क्या है, अगर मैं सपोज किया 200 ग्राम डाल देता हूं, क्या किया 200 ग्राम डाल देता तो यहां ऊपर कितना जाएगा 140, नीचे कितना आएगा 60, इसकी रेशो निकाले 140:60 क्या बनेगी 7:3, यानी कि रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। ये बात है कि आज सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, कहता है ये दो जो लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, एक दूसरे के अंदर क्या है, ना अल्पजी, इमिसिबल का मतलब अनडिसॉल्व,
कहता सॉल्यूट अपने आप को इन दो में इस तरह तकसीम करता है, किस तरह तकसीम करता है कि विद अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार दोनों में ही कांस्टेंट रहती है रेशियो के लिहाज से, चेक कर ले 7:3 7:3 हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। अब किस चीज में इरिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है इस पे हरगिज डिपेंड नहीं करती, जब जितना मर्जी ऐड कर लें कंसंट्रेशन की जो रेशियो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ला, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके ना इसके एक्सप्लेनेशन कर रहा है, वो किस तरह एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देखें, ये याद नहीं करनी आपने, ये वाली एक्सप्लेनेशन आपने याद नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा सही है। अब जो चीजें यहां पे एक्सप्लेन करेगा वो कुछ इस तरह आएगा, कहता आपने ना सबसे पहले इस चीज को समझ लें, पांच दो तीन लाइनें साथ जो चार पांच लाइनें बनेगी उनको लिख लेगा, पहले बाद में समझ लेंगे कि किस तरह इस लॉ को एक्सप्लेन किया है। अब कहते आपने क्या करना है जी, मुझे यहां बड़ा सारा बीकर बना लेते हैं, ये एक बीकर लेना है, इस बीकर के अंदर आपने सबसे पहले वाटर ले लेना है, कौन सी चीज पानी, और पानी के अंदर आप एक बात याद रखिएगा जो आयोडीन होती है ना, यहाँ पे एक वर्ड आयोडीन यूज करेगा, आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि आयोडीन का कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर, कहता आप इसके अंदर आयोडीन डालें I2 और इसका कलर कौन सा है पर्पल, आपने आयोडीन डाली है इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी, क्यों डिजोल्व नहीं होगी, इसकी रीजन ये है कि हमेशा लाइक डिजोल्व लाइक कि ये नॉन पोलर है, ये वाली चीज वाटर क्या है पोलर है, कहता लेकिन अगर पोटाशियम आयोडाइड साल्ट यूज कर लेते हैं क्या करते हैं जी, इसके अंदर मैंने क्या किया ऐड कर देता हूं KI पोटाशियम आयोडाइड साल्ट, अब पोटाशियम आयोडाइड साल्ट जैसे इसके अंदर जाएगा ये चेंज हो जाएगा इसमें, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा K पॉजिटिव में और I नेगेटिव, कहता अब इसकी मौजूदगी में ये वाली चीज इसके अंदर हल हो जाती है, किस तरह हल होती है कहता ये वाली चीज और इसके अंदर आपने आयोडीन डाली हुई है ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या चीज ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों क्या करेंगे आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि आई नेगेटिव प्लस I2 ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ट्राई आयोडाइड आयन बना देते हैं, आयोडाइड आयन बन जाएगा ये वाली चीज, यानी दोनों अपने इकट्ठे होकर नेगेटिव चार्ज लेंगे उसके ऊपर आए सही है। अब ये वाली जो चीज है ये वाटर सोलोबल है, ये क्या है वाटर सोलोबल, ये पानी में हल पजीर है और इसका जो कलर है ये ब्राउन होता है, ये क्या होता है ब्राउन होता है, ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी, कहते जैसे आप देखें और चीजों को समझिए, अगर मैंने ये वाली चीज मैंने डाली इसके अंदर ये हल पजीर नहीं है, क्यों हल पजीर नहीं, क्योंकि वाटर पोलर है और ये आयोडीन नॉन पोलर है, अब मैंने जैसे ही पोटाशियम आयोडाइड डालता पोटाशियम आयोडाइड आयोनाइज होकर पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन बनाता है, ये आयोडाइड आयन इसके साथ मिलता है आयोडीन के साथ, ये वाली आयोडीन के साथ ट्राई आयोडाइड आयन बना देता है, अब इसका जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है, अब देखिए ये वाला कलर जब इसके अंदर डिजोल्व ये वाली चीज बन रही तो वाटर के अंदर कौन सा कलर आना शुरू हो जाएगा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा, यानी जो वाटर का रंग हो जाएगा वो ऐसा 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 कौन सा होना शुरू हो जाएगा ब्राउन कलर, अब इसको सीखते जाइएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा ब्राउन कलर। अब कहता है कि आप ऐसा करें एक और सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब मैंने क्या किया जी यही काम किया बात मान के जी कहां पे CCl4 ऐड कर दिया, अब ये वाली चीज पहले बनी बड़ी है आपके पास, बाद में अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना है, मैंने यहां पे CCl4 ऐड किया है, अब देखें जैसे मैं CCl4 ऐड करूंगा यहां पे ये वाली चीज मेरे पास क्या है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करूं तो ये होता है नॉन पोलर, क्या होता है जी नॉन पोलर, ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अच्छा अब मैंने इसके अंदर आयोडीन डाली हुई थी,
क्या करेगा ये आयोडीन इसके अंदर हल होगी, क्योंकि आयोडीन भी नॉन पोलर है, आई टू क्या है जी नॉन पोलर है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है। सर आयोडीन तो उसके साथ रिएक्ट करके नहीं डिसॉल्व होगी उसके अंदर, रिएक्ट कर गई ना, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है, ये वाला ये इस तरह होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, आगे की भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। ये अब मैंने क्या किया जी, ये वाला जी नॉन पोलर डालता हूं, डालने के बाद होता क्या है कि यहां से सॉल्यूट या फिर जो आयोडीन है ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। कौन सी चीज ऊपर की तरफ जाती है, यहां से आयोडीन I2 ऊपर की तरफ जाएगी। अब पहले मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला, ये बिल्कुल कलरलेस था, लेकिन ऐसा ऐसा ये दोनों वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक दूसरे के अंदर हल नहीं होता। हमने जो बात यहाँ पे लिखी है उस पे पूरे उतरना है कि क्या होने चाहिए, दो लिक्विड जो होंगे वो दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर इनमिसिबल होंगे, ये एक दूसरे के अंदर हल बजे नहीं होंगे। अब देखिए ये वाली चीज ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है, क्यों ऊपर की तरफ गई है, क्योंकि ये वाली चीज इस चीज में हल बजी है। सही, अब जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी, अब ये वाली चीज ऐसा ऐसा किस चीज में चेंज हो रही है, इस चीज में। अब देखिए ये वाली चीज ऐसा ऐसा क्या होती जा रही है, कम, इस चीज का रंग कौन सा है, ब्राउन कलर, ऐसा ऐसा क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। फेड वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, ब्राउन कलर ऐसा ऐसा फेड होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां जो ब्राउन कलर आ रहा था ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फेड, पहले मैं यहां पे लिखना शुरू करूं, यहां ब्राउन कलर फेड, ब्राउन कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। सही है, अब यहां पे पर्पल कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा नॉमिनेट होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, नॉमिनेट होना शुरू हो जाएगा, नॉमिनेट का मतलब है कि बढ़ना शुरू हो जाएगा, कौन सा कलर, पर्पल कलर, पर्पल कलर यहाँ पे ऐसा ऐसा नॉमिनेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब हरगिज नहीं है सारी की सारी आयोडीन ऊपर चले जाए, क्योंकि रिएक्शन है रिवर्सिबल, या ऐसा ऐसा एक वक्त आता है कि दोनों के यानी ऊपर की तरफ जाने का रेट और नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कौन सी चीज आएगी, नीचे की तरफ आयोडीन आएगी, लेकिन किस फॉर्म में आएगी, आई थ्री नेगेटिव के फॉर्म में, आई थ्री नहीं बिल्कुल खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में ये अपने अंदर डिजोल्व करके रखेगा, और ये वाला आयोडीन जो ऊपर की तरफ जा रही है ये भी कुछ ना कुछ अपने अमाउंट में डिजोल्व करके रखेगा। एक वक्त आएगा इसका कलर फिक्स हो जाएगा, फिर दोबारा कलर चेंज नहीं होगा। सही, यानी कि शुरू में हमारे पास सिर्फ था ब्राउन कलर, हम जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला नीचे से आयोडीन ऊपर की तरफ गई, ऊपर आने शुरू हो गए पर्पल कलर, नीचे था ब्राउन कलर, ब्राउन कलर ऐसा ऐसा क्या होने शुरू हो गए, फेड, ऊपर पर्पल कलर ऐसा ऐसा क्या होने शुरू हो गया, नॉमिनेट। एक वक्त आएगा दोनों कलर की कंसेंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो जाएगी, उसके बाद कलर चेंज नहीं होगा। अब हुआ क्या, हुआ यह है कि इसके अंदर जितना सॉल्यूट हल होना था वो हल हो गया, इसके अंदर जितना ये वाली चीज हल होनी थी हल हो गई। अब इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, यानी कि केसी आपने पढ़ा हुआ है, केसी आप किस तरह लिखते हैं जी, आई थ्री आपकी बुक में ये बनाई हुई आई थ्री, और ये वाली चीज डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, ये ए क्यू यहाँ पे लिखा होगा, सही है, और इसके बाद नीचे लिखा होगा ये वाली चीजें आई नेगेटिव एम टू आई टू, और यहाँ पे लिखा होगा सीसीएल फोर, सीसीएल फोर, इसका मतलब ये है कि जो आई टू है सीसीएल फोर के अंदर डिजोल्व है, आई थ्री नेगेटिव जो है एक्वास्पिरेशन के अंदर डिजोल्व है। सही, इस तरह कुछ बनाया हुआ। अब ये चीज क्या है कि सी मतलब इक्विलिब्रियम कौन सा, आप कहता है कि इसकी और इसकी कंसंट्रेशन में एक खास रेशो आ जाती है, ये भी असल में रेशो ही है, ये भी हमारे पास क्या है, रेशो ही है। अब इस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आती, शॉर्ट क्वेश्चन में एक चीज आती है, ये है व्हाई आई2 इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, व्हाई, ये लिखें क्यों वो नॉन पोलर वाटर, व्हाई आई2 इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद लिखना है, सबसे पहले आपने बताना ये है कि अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, किसके बारे में, जो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है। सही है, ये बताना है पहले कि अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के उसके मुताबिक क्या था, ये पोलर चीज है, पोलर चीज माने पोलर सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस। हियर I2 इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस एंड वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, सो इट इज नॉट डिसॉल्व इन
वाटर. ये था आज के लेक्चर में. अल्लाह हमें उनको.